हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज का वीडियो है रिगार्डिंग द लिस्ट ऑन द टॉप 10 इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस इनटू गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी है टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसी का लिस्ट मैं आज फ्लैश करने वाली हूँ। ये लिस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन एंड वेरियस अदर क्राइटेरिया दैट आई हैव पुट इन। उसमें टीचिंग ले लो, प्लेसमेंट का रेशियो ले लो, लोकेशन ले लो, इन सारे क्राइटेरिया को मिक्स करते हुए जो मेरे हिसाब से टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ गुजरात है उसका लिस्ट मैं आपके आगे फ्लैश करने वाली हूँ। ऑल्सो द अवेलेबल ब्रांचेस, उस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है फॉर इंजीनियरिंग, उसकी भी डिटेल मैं आपको आज वीडियो में देने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद द लिस्ट, आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, किस हिसाब के इसकी सीट्स रिजर्व्ड रहती है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो 5% सीट्स है रिजर्व्ड ऑन योर बेसिस ऑफ योर JEE स्कोर्स एंड द रिमेनिंग 95% ऑफ द सीट इज रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड सेट प्लस बोर्ड्स के स्कोर। बोर्ड्स कोई भी हो, इनकेस यू आर इनटू गुजरात बोर्ड और ऑन टू CBSE बोर्ड, प्लस योर गुड सेट स्कोर, दोनों का मिला के 50-50% मेरिट बनता है एंड देन यू गेट एडमिशन इनटू दोस 95% ऑफ द सीट्स। ये सारा सब एडमिशन होता है थ्रू वन पोर्टल दैट इज ACPC, एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस। ओके, इसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो पाएगा इनटू द गवर्नमेंट कॉलेजेस। रादर यू टेक एडमिशन थ्रू योर जी स्कोर और थ्रू योर बोर्ड्स के मार्क्स एंड गुड सेट के मार्क्स, बट द पोर्टल विल रिमेन द सेम। बट हाँ, इफ यू वॉन्ट टू टेक द एडमिशन थ्रू जी स्कोर, यू नीड टू टिक दैट वाइल फिलिंग योर ACPC फॉर्म। आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपको एडमिशन मिल रहा है जी के स्कोर से तो आप लेना चाहते हो या नहीं, तो उसमें आपका टिक होना जरूरी है, तभी जाके आपका जी का स्कोर कंसिडर होगा। ओके, सो ये दोनों ही चीजें आप क्लियर कर लीजिए माइंड में। और इस चीज को 5% एंड 95% ऑफ सीट्स को मैं अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूं, मान लीजिए कोई एक ऐसी ब्रांच है जिसमें 60 सीट्स अवेलेबल है, तो 5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर योर जी मेन स्कोर के बेसिस पे, राइट? 5% ऑफ योर 60 इज योर 3 सीट्स, मतलब 3 सीट्स फिल होगी ऑन द बेसिस ऑफ जी स्कोर एंड द रिमेनिंग 57 नंबर ऑफ सीट्स दैट इज 95% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड विद योर गुड सेट प्लस बोर्ड्स के स्कोर। ओके, तो इस हिसाब से डिविजन रहता है ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस सीट्स। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ सीरीज ऑन टू अ वेरी फेमस स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जिसका बेनिफिट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टेक। अगर आपका बाई चांस कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लग रहा, कोई प्राइवेट कॉलेज में लग रहा है जहाँ पे फीस ज्यादा है, यू कैन एब्सोल्युटली गो विद द MYSY स्कॉलरशिप। बहुत ही फेमस है, बहुत ही बेनिफिट्स हैं उसके। उसकी कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड, आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोज गाइडिंग यू विद द स्कॉलरशिप। डू चेक इट आउट द प्लेलिस्ट ऑफ MYSY दैट इज मुख्यमंत्री युवा स्वालंबन योजना। नाउ स्टार्टिंग विद द लिस्ट, द वेरी फर्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट कमिंग इज द LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लोकेटेड इन टू अहमदाबाद। द अवेलेबल ब्रांचेस इन द LD कॉलेज आर अप्लाइड मैकेनिक्स, देन यू हैव केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल, IT, IC, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, you have rubber technology, plastic technology, textile technology, aeronautical engineering, automobile engineering, artificial intelligence. इतनी biomedical भी ब्रांच है, इतनी सारी ब्रांचेस है अवेलेबल इन टू योर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज रैंकिंग 1 एज द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गुजरात। द सेकेंड इन द लिस्ट इज MSU, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन वडोदरा। उसमें जो ब्रांचेस अवेलेबल है फॉर योर इंजीनियरिंग कोर्सेज, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, यू हैव टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड केमिकल। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज DDU लोकेटेड इन टू नडियाद, जिसमें दोनों ही हैं सेल्फ फाइनेंस गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट वन, जिसमें अवेलेबल ब्रांचेज हैं केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IC. These are the available branches. Okay. Then in the next in the list is the fourth college, that is BVM. BVM Government, which is located in Vidyanagar. Mein. Okay. Birla Vishwakarma Mahavidyalaya, located into Vidyanagar, Anand. And the available branches into this are civil, computer, electrical, electronics and communication, mechanical. Okay. The next in the list coming is VGEC.
विश्वकर्मा कॉलेज जो कि है गांधीनगर में. The available branches for engineering into this particular college, fifth in the list is VGEC, chemical, civil, computer, electrical, electronics, instrumentation and electronics, IT, IC, mechanical, power electronics. ओके ये वाली सारी ब्रांचेस अवेलेबल है इनटू वीजीईसी. ये टॉप फाइव जो मैंने अभी तक आपको बताई, द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसमेंट दे प्रोवाइड, क्योंकि काफी अच्छा प्लेसमेंट जाता है इन कॉलेजेस में. एंड इवन इनटू टीचिंग वाइज दे आर रियली गुड, हैविंग प्रोफेसर्स जो कि बहुत ही पुराने हैं विद हाई एक्सपीरियंस, हाई टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड दे आर रैंकिंग रियली गुड द टॉप फाइव. अब जो रिमेनिंग फाइव मैं आपको बताऊंगी जो कि रहेगी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ डिफरेंट सिटीज, I am ranking this on the basis of its location as the priority. Location क्यों? क्योंकि location बहुत ही ज़्यादा matter करेगा if you want to go ahead with your skill development while doing your engineering. साथ ही साथ आपको कोई course करना है जो आपके skill को enhance करेगा, which is very much necessary. उसके भी videos मैं काफ़ी हद तक बना चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 4 years of engineering won't work for you guys. You need to enhance yourself with some extra skills, some enhancement, some X factor in you. Okay, इसीलिए मैंने ये remaining 5 जो colleges है, it's I'm ranking that on the basis of the location, ताकि आपको easily कोई ऐसा center nearby मिल पाए जहाँ पे आप अपनी skill को enhance कर पाओ, कोई technical course अलग से कर पाओ. Okay, so next in the list is GC गांधीनगर, Government Engineering College गांधीनगर, जहाँ पे available branches for engineering are biomedical, civil, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, आईसी, मैकेनिकल, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मेटलर्जी. दिस आर द अवेलेबल ब्रांचेस इनटू जीईसी गांधीनगर, सिक्स्थ इन द रैंक. सेवेंथ इन द रैंक इज जीईसी सूरत. सूरत में जो अवेलेबल ब्रांचेस है फॉर इंजीनियरिंग आर सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. These are the available branches. Now again, if you can see, Gandhinagar is into very developed stage. जहाँ पे आप easily कोई भी training center पकड़ के you can start with your training during your engineering. Same goes with Surat also. Okay, the next in the list is Rajkot, GEC Rajkot, Gujarat Government Engineering College of Rajkot. That is having the branches into engineering as artificial intelligence 1, automobile, civil, computer engineering, electrical engineering, electronics, IC, mechanical, robotics and automation. Okay, these are into GEC Rajkot. Next in the list is GEC Valsad, jahan pe the available branches are chemical, civil, electrical, environmental, mechanical. Okay, this is into GEC Valsad, again into proximity to Surat. To aap Valsad se Surat nazdeek hai, to you can have your training done over there. Next in the list is Bhavnagar. The last in the list actually, GEC Bhavnagar, jahan pe the available branches are civil, IT, computer, mechanical, EC, INCT, instrumentation and control technology. Okay, so these are the available branches into GEC Bhavnagar. Got it? So last jo 5 thi, that were the government engineering colleges of respective cities, jahan pe you can have your training done at a near proximity ya to wahi usi city mein. So these are the best possible list I can provide you for you students to take a decision into the perfect engineering college, very much suitable for you guys and for your bright future. So all the best guys, hope the video helped you gain the information about the different universities and colleges and which is your preferred one, you can absolutely choose that. And yeah, if you want to know about any of the college or the institute into detail, agar aapko koi bhi college ya institute pe detail mein video chahiye, ki ma'am iska review dijiye, iska detail information dijiye, do comment in the comment box. I'll be more than happy to help you guys with the video on the same. Okay, bye bye for now, all the best.